पहाड़ी भेड़, सींगे देखो यार कितनी खतरनाक है। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो निकलते हैं अपन अटल के लिए, और होटल छोड़ दिया, मिक्की रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, सारा सामान पैक कर चुका है, अनलॉक करनी है, चलते हैं, लाइटिंग वाइटिंग चलाते हैं थोड़ा सा चेक। यार बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे यार, सच में देखा जाए तो ठीक ही है, अगर ठंड नहीं होगी तो फिर हिमाचल किस बात का। हमने एक बार चेक कर लेते, बस फ़ोन रख लिया, नहीं रख लिया, ये रहा फ़ोन मेरा, जेब लगा दी है, मेरे मालिक सबका भला करना। पहाड़ों की तो बात ही अलग है, बिल्कुल पहाड़ अगर देखा जाए तो अलग ही है सच में। अरे भैया सुबह सुबह काहे जाम कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का। डॉगी अपना मस्त वॉक कर रहा है, दोनों पैर एक साथ ले जा रहा है। सुबह सुबह तो कोई जगह ही नहीं है, चश्मे वाले अंकल निकल गए हैं, तो पहले चाय वगैरह पी ली जाए, उसके बाद देखते हैं थोड़ी एनर्जी ले ली जाए। बाय बाय मनाली, बाय बाय। ये उतरते हुए भाई क्या ठंड लग रही है सुबह सुबह। सुबह सुबह निकलने का यही फायदा है एक, कि आप तो ट्रैफिक कम मिलेगा। मैं ट्रैफिक की भी बात नहीं है, आप जल्दी जगते तो आप वैसे भी दिन अच्छा ही जाता है। चलो ये अच्छा कर दिया बीच में ये लाइन लगा दी, ट्रैफिक कम होगा थोड़ा सा। ओ भाई सुबह सुबह पहाड़ों का ट्रैफिक, सुबह सुबह वो भी तो नहीं, अपन तो निकल जाएंगे। पता नहीं शीशा किसी ने छेड़ा था यार, जब गाड़ी रात में खड़ी हुई थी। वही ना यार, मिक्की के वैसे भी लोग इतने फैन हैं, क्या ही बोले, बिल्कुल तरीके से बैठे हुए एक एक करके। आगे कट बढ़िया प्यारा सा, क्या बात है, वहां घास वहां ट्री यहाँ बर्फ, क्या बात है भाई। ब्रिज देखें आप यार, क्या ही बना हुआ है। और यहाँ मैंने फ़ोटो भी कराई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरी एक फ़ोटो है इंस्टा पे, आज भी पड़ी हुई है 2019 में। पुरानी यादें यार बड़ी प्यारी होती हैं, जब किसी अपने के साथ बिताई हो तो। मगर कोई नहीं, सब दिल की दिल में रख लेते हैं, कोई किसी से नहीं कहता है। मक्खन रोड बना रखा है भाई, फ्लैग लगा रखे हैं अलग ही। ओ भैया पेड़ पौधे चेक करें, स्टारबक्स क्या बना रखा है यार, मस्त बना रखा है, पूरा कैफे लाइफ लगा रखा है, और पूरा भाई लकड़ से डिजाइन कर रखा है। मुझे लगा था कि मैं ही जल्दी जग रहा हूँ, पता चला पूरी दुनिया जगी पड़ी, बताओ सारे जा रहे रोहतांग और अपन जाएंगे अटल टनल। यहाँ से तो नहीं है ना, ठीक है ये अभी तक है, मैं जब 2019 में आया था तब भी थी ये झोपड़पट्टी, और आज भी है। खाली क्यों है भैया, यार नाम भूल रहा हूँ। मे
मैं यहाँ से कभी आगे नहीं जा पाया था, पर आज जा पा रहा हूँ। अरे यार बिल्ली मर गई यार। सही बात है कि आपका जो सपना होता है ना एक दिन उसे आप अचीव कर ही लेते हो। वो कहते हैं ना कि सपने देखो तो बड़े देखो, पूरे नहीं तो क्या हो गया, तुमने सपने तो कम से कम बड़े देखे। क्योंकि हर पतंग को पता होता है कि कचरे में जाना है, मगर एक दिन आसमान छू के दिखाना है। तो बस लगे रहो यारो। अभी पहुंचने वाले हैं वैसे तो, और पूरा चेक हो गई हमारी मिकी, बंदे देख रहे हैं पूरा मुड़ के। भाई ने गाड़ी पे क्या बात लिखवा रखी है वैसे तो, मिली तो बेस्ट, ना मिली तो नेक्स्ट। क्या बात है यार, लोग क्या क्या चीज़ें लिख के रखते हैं गाड़ी पे भी यार। मतलब मिली तो बेस्ट है, नहीं मिली तो नेक्स्ट है, यही चल रहा है जीवन में। बढ़िया भाई, देख रहे हो कितने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं भैया। थैंक्स फॉर विजिट अगेन, अरे सी यू अगेन बोल देते हैं। क्या दिक्कत आ रही है जो पढ़ी लिखी घर आ रही है। दूसरा, पूरे हाथ जम गए हैं यार, काम नहीं कर रहे हैं, क्या बोलूं। पर ठीक है, कोई नहीं, इतना तो चलता ही है। छोटा सा ही है वैसे तो, लाइट जला देते थोड़ी सी, ताकि गड्ढा वड्ढा ना आ जाए ना, ये गड्ढा चेक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी सुबह सुबह। भाई चलो बढ़िया, ये भी छोटा सा मिनी सा। वहां पहुंचना है मुझे पहाड़ों में। मैं अकेला ही हूँ इस रोड पर, अभी तक गाड़ी गिन सकता हूँ मैं यहाँ पर, कितनी गाड़ी निकली है कितनी नहीं निकली है। और पहाड़ों पे तो वैसे भी जल्दी सुबह हो जाती है। देखो एक गाड़ी दिखी अभी तक, ना पीछे कोई है ना आगे कोई है, बस ऊपर वाला है सर पे जिसका हाथ है। मंदिर देखो कितना पुराना बना हुआ और सही अच्छा लग रहा है सच में। भगवान सबका भला करना मेरे मालिक। अरे वाह यार, ऐसे पहाड़ों में बस खड़ी होती है ना, अलग ही व्यू आता है यार। पेड़ पौधे समझ में आता है भैया, बहुत जरूरी है। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, दिल्ली की गर्मी देख देख के तो पट रही है। क्या है भाई, कुछ खा लेते हैं यार, हॉट टंट पड़े गए बिल्कुल। नॉर्मल ग्लव्स यार से भी ज़्यादा ठीक लेके आऊँ, फिर भी यार वही है ना, आपके एक टाइम तक कोई भी चीज़ काम करती है, नेचर के साथ थोड़ी कोई चीज़ भिड़ सकती है। ये बंजी जंपिंग भाई, खुद के पैसे दे के यार खुद की फटते हुए देखो यार, कैसा खेल है यार ये, समझ नहीं आता है। अरे वाह देखो भाई क्या लग रहे दोनों कौए, हट जा भाई, तेरा चेक नहीं हो पाएगा, वो इतनी देर में उड़ जाएंगे। तो सोच रहा है ना चेक कर लूंगा, बताऊंगा नहीं यार। इन पेड़ों के बीच में, पहाड़ों के बीच में जब ये फ्लैग दिखते हैं ना, एक अलग ही वाइब देते हैं। आप कभी भी इनको देखना, फ्लैगों को, आपके अंदर कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। यार पहाड़ी टोपी लेनी है मेरे को इस बार, पापा के लिए पहाड़ी टोपी लूँगा, क्योंकि पापा भी हमारे बिल्कुल पहाड़ी लगते हैं, स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं, तो पापा के लिए तो बनती है एक टोपी। ऐसी जगह अगर आप हो, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, तो आप किसके साथ राइड करने चाहोगे, दोस्त के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ? प्लीज़ वीडियो में ज़रूर बताना मैसेज करके, किसके साथ राइड करना चाहोगे आप। भैया मेरे तो ना दोस्त है ढंग के, ना बंदी है कोई, तो इस चक्कर में मैं वैसे भी नहीं, तो इससे अच्छा हमारी गाड़ी ठीक है, हम कहते दादा किसी में वो भी नहीं कर सकते, लड़की खर्चा नहीं उठा सकते। भाई मिकी बोलेगी 10,000, 10,000 उठा लूँगा एक बार में, जान है हमारी जान। मिकी भी प्यार करती है, ऐसी बात नहीं है, बस बोल नहीं पाती है मुझसे, वो बात एक अलग है। और वैसे एक चीज़ बताता हूँ, मिकी में और हमारे रिश्तेदारों में क्या फ़र्क है, कि पहले जब मैं अपने रिश्तेदारों के घर जाता था, तो मुझे घर से बस स्टैंड तक छोड़ने आते थे,
और अब यार घर के बाहर ही निकाल देते हैं, बताइए। और मिकी हमारी बिल्कुल घर के बाहर खड़ा करती है, घर से ही लेके जाती है, घर से ही उठाती है, बताओ यार। इसीलिए इतना प्यार है इससे। अरे क्या राउंड आ रहा है यार, हर एक काम देश के नाम। अरे वाह क्या लाइन लिखी है, मजेदार। तो कुछ देर रुक गया था फोटो के लिए, और अपनी मिकी कुछ ऐसे लग रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले भाई सही से सील कर लेते हैं क्योंकि बहुत ठंड लग रही है यार यहाँ पे। हरे कृष्ण भाई, इसको पहले पैक कर देते हैं क्योंकि हमारी चाबी हो चुकी है लूज, तो हम नहीं चाहते कोई सीन हो जाए। 2 किलोमीटर रह गया अटल टनल, मात्र 5 मिनट में पहुंचा देंगे, 5 मिनट में। कूड़ा ना फैला, सही बात है यार, क्योंकि भारत की ब्यूटी हम सब की ड्यूटी, अगर वो सही खूबसूरत रहेगा तभी तो हम खूबसूरत रहेंगे। ओरे बाप रे भाई, बर्फीले पहाड़, सारे ही बर्फीले दिख रहे हैं ऑलमोस्ट। पैसा वसूल हो गया, हालांकि जो मैंने 1200 रुपए का तेल खर्चा था ना यहाँ पे दिल्ली से ले मनाली तक का, वो सारा पैसा वसूल हो गया, मजा आ गया यहाँ पर आके। वाह यार, पहले निकलने दो तो। भाई फाइनली जहाँ मैं आना चाहता था, जो मेरा सपना था, और मैं आ गया यार। वहाँ अलाउड नहीं है, सच में यार बड़ा मजा आ गया यहाँ पे आके, बहुत खूबसूरत। हाँ जी हाँ जी, अरे वाह प्यार है, बस दिल्ली से आ गया था मैं। हाँ जी हाँ जी, आप भी आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, विशाल राइडर 7719। तो फाइनली देखो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अटल टनल, और यहाँ पर आके मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो शायद बहुत सारी चीज़ें मिस करता, तो फेस भी दिखा देता हूँ अपना। तो फाइनली मैं आ गया था अपना अटल टनल, और यहाँ पर पहुँचने के बाद तो बहुत खुशी हो रही है, और निकी मैं और ये कुछ व्यू। और यहाँ पर आने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि धीरे ही सही पर आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं, क्योंकि मेरे पास शायद कम सीसी की बाइक है, सॉरी स्कूटी है निकी हमारी, मगर मैंने अपने सपने को आगे रखा और मैंने हार नहीं मानी, मैंने कर दिखाया। तो यहाँ तक अगर वीडियो देख लियो तो बस लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना आप लोगों के प्यार के वजह से मेरे पास यहाँ सब्सक्राइबर कम्प्लीट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का दिल से, आई लव यू ऑल, मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ लुक आ रहा है प्यारा सा, चलिए अटल टनल के अंदर चलते हैं। ये क्या हो गया भाई, ये है 10 किलोमीटर जहाँ तक मुझे पता है। इसलिए मैंने 0 कर दिया ताकि पता चल जाए, और सीसा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि रुकना अलाउड नहीं है, और अच्छी बात भी है, रुकना क्यों ही अलाउड होगा, इतनी खूबसूरत जगह मारे, और यहाँ रुकना अलाउड नहीं है वैसे जहाँ तक मैंने सुना है। जैन सर, जैन सर, अंधेरे के बाद हम कहाँ से निकले भाई, भाई अलग ही एक्सपीरियंस था, और वाह यार। अरे यार क्या क्या बोल सकते हैं, ले रोहतांग 27। वैसे तो मुझे कहीं जाना नहीं है, तो
कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं। तो हेलो, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। और मैं आया हूँ अटल टनल पार करके, और यहाँ की जो खूबसूरती है वो सबसे अलग है, सबसे प्यारी है। और देखा जाए तो पीछे व्यू कितना प्यारा सुंदर है। और मैं कुछ इस शॉप पे रखा था, और अभी GoPro चार्ज हो रहा है और रख दिया, थोड़ा ठंड लग रही थी हाथों में। बाकी यही है कि सफ़र बहुत सुहाना है। यहाँ पे आने में थोड़ा कष्ट हुआ, बट मज़ा आया सच में। और यही मैसेज देना चाहूँगा कि घूमने चाहते हो तो निकल जाया करो यार, क्योंकि ये दौर दोबारा नहीं आता। बाकी इतना ही कहूँगा, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। थैंक यू।